हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अभी तक हम बैंक ऑफ बड़ौदा का केवल एक ही क्रेडिट कार्ड ले सकते थे, यानी कि अगर आपको दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड लेना है तो आप नहीं ले सकते थे, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा एक कस्टमर को केवल एक ही क्रेडिट कार्ड इशू करता है। लेकिन अब बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऑप्शन दे दिया है कि आप दूसरा क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं, और ये बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस किया गया है। जी हाँ, किस तरह से आप बैंक ऑफ बड़ौदा का दूसरा क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। वैसे अब तक अगर आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, आप बैंक ऑफ बड़ौदा का इटर्ना क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा के सेलेक्ट या इजी क्रेडिट कार्ड को भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा और भी किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और अब तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, आपको काफी अच्छा बेनिफिट्स होने वाला है। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, ये है मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा का सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हुए मुझे करीब 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन जब मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा से इजी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने की रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा कि एक कस्टमर को हम एक ही क्रेडिट कार्ड देते हैं। लेकिन अभी एक नया अपडेट आया दोस्तों, जहां पे अगर आपके पास ऑलरेडी बैंक ऑफ बड़ौदा का एक क्रेडिट कार्ड है तो आप दूसरा क्रेडिट कार्ड भी आसानी से ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास ऑलरेडी बैंक ऑफ बड़ौदा का एक क्रेडिट कार्ड है तो किस तरह से आप दूसरे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना ऑफिशियल BOB कार्ड ऐप लॉन्च कर दिया है। अगर आपने अब तक BOP कार्ड ऐप को इंस्टॉल करके रजिस्टर नहीं किया है तो उसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देख के BOP कार्ड्स में अपना क्रेडिट कार्ड को रजिस्टर कर लीजिए, वहां से आप बड़ी आसानी से अपने कार्ड को मैनेज कर पाएंगे। लेकिन ये जो अपडेट आया बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से एडिशनल कार्ड को अप्लाई करने का, ये आपको BOP कार्ड्स ऐप में नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, तो उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल क्रेडिट कार्ड वेबसाइट पे आने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे आपको अपना यूजर नेम एंटर करना है। आपके सामने जो कैप्चा दिखाई दे रहा है वो कैप्चा एज इट इज एंटर करना है और प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आप या तो अपना पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर सकते हैं या फिर अपने रजिस्टर्ड बैंक ऑफ बड़ौदा के मोबाइल नंबर पर OTP के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए मैं पासवर्ड एंटर करके BOP कार्ड्स की वेबसाइट में लॉगिन कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने अपने कार्ड अकाउंट में लॉगिन कर लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा का सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड है, जिसकी लिमिट है 50,000 रुपए। अब दोस्तों, आपको चेक करना है कि आपको एडिशनल कार्ड का ऑफर मिल रहा है या नहीं। तो ऊपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आपको 3 लाइंस दिखाई देंगी, जिसके नीचे मेन्यू लिखा हुआ है, आपको उन 3 लाइंस पे क्लिक करना है। 3 लाइंस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपके सामने कई सारे ऑप्शंस आएंगे, जैसे कि डैशबोर्ड, पेमेंट्स एंड स्टेटमेंट्स, रिक्वेस्ट माई प्रोफाइल। तो आपको रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही देखिए कितने सारे ऑप्शन सामने आ गए। यहाँ पे आप एक नया ऑप्शन देख सकते हैं, गेट एडिशनल कार्ड, और ये बिल्कुल न्यू ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, पहले ये ऑप्शन नहीं था। गेट एडिशनल कार्ड मतलब आपके पास ऑलरेडी जो बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड है उसके अलावा आप दूसरे बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड को भी अप्लाई कर सकते हैं। ये एड ऑन कार्ड नहीं है, एड ऑन कार्ड अप्लाई करने का एक अलग ही टैब है जो आप ऊपर देख सकते हैं, एड ऑन कार्ड, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप एड ऑन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो गेट एडिशनल कार्ड वाला ऑप्शन है ये अभी नया नया आया है, यानी कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा अपने एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को सेकेंड बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहा है। तो अब अगर आपको एडिशनल क्रेडिट कार्ड लेना है तो आपको गेट एडिशनल कार्ड पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं गेट एडिशनल कार्ड पे क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों, गेट एडिशनल कार्ड पे क्लिक करते ही नीचे देखिए बता रहा है, ऑफर नॉट अवेलेबल, नो ऑफर्स आर करंटली अवेलेबल, कीप वॉचिंग दिस प्लेस। यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा एडिशनल कार्ड देना शुरू कर चुका है, लेकिन अभी एडिशनल कार्ड का ये ऑफर मेरे ऐप में नहीं दिखा रहा है, यानी कि मैं अभी एडिशनल बैंक ऑफ बड़ौदा का कार्ड अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। जब मुझे ऑफर आएगा तो एडिशनल कार्ड रिक्वेस्ट में वो ऑफर यहाँ पे शो करेगा, और यहाँ से अप्लाई करके मुझे इंस्टेंट एडिशनल कार्ड मिल जाएगा। अब उस एडिशनल कार्ड की लिमिट सेम होगी कि नहीं ये तो पता नहीं, इसके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से लिमिट आपकी मर्ज हो जाएगी, बस आपको दूसरे वेरिएंट का बैंक ऑफ बड़ौदा का कार्ड मिल जाएगा। और हो सकता है दोस्तों एडिशनल कार्ड आपको एक एडिशनल यानी कि सेपरेट लिमिट के साथ मिले, इसके बारे में कोई भी जानकारी होगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, फिलहाल तो मैं एडिशनल कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं हूं, लेकिन आप भी इस तरह से अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्ड की वेबसाइट पर लॉगिन करके चेक कर सकते हैं कि आपको ये ऑफर मिल रहा है या नहीं। अगर आपको एडिशनल कार्ड अप्लाई करने का ऑफर मिल रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को प्लीज एक लाइक करना ना भूले,
और अगर आप किसी तरह का बैंक ऑफ बड़ौदा का कार्ड बनवाना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।